घर में तार हटाते समय बिजली की करंट की चपेट में आया युवक हाथ हुआ जख्मी। शिवपुरी जिले के तेंदुआ थाना क्षेत्र के खैरोना भरतपुर गांव में एक ग्रामीण को अपने ही घर में बिजली का तार हटाते वक्त बिजली का तेज झटका लग गया। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खैरोना भरतपुर गांव के रहने वाले 40 साल की अमर सिंह आदिवासी ने बताया कि गांव में लगे बिजली के ट्रांसफार्मर के डीओ में तेज स्पार्किंग हो रही थी। उसे डर था कि इस स्पार्किंग की वजह से उसके घर में लगे बिजली के उपकरण खराब ना हो जाए, जिसके चलते उसने अपने घर की मेन सप्लाई के तार को हटाने का प्रयास किया था। बिजली के तार को हटाने के दौरान बिजली का तार उसके हाथ से चिपक गया, जिससे उसे बिजली का तेज झटका लगा। अमर सिंह ने बताया कि बिजली के तार के हाथ से चपकने के बाद करंट के तेज झटके उसे दूर फेंक दिया, इसके बाद वह बेहोश हो गया। परिजन उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल ला रहे थे, रास्ते में उसे होश आया। बता दें कि बिजली का करंट लगने से उसके हाथ, पीठ और शरीर में कई जगह चोटें आई हैं। अमर सिंह का उपचार अस्पताल में जारी है। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। आदिवासी हो? आदिवासी। कहाँ रहते हो आप? भरतपुर कैरोना। कहाँ पड़ता है ये? जो पड़ता है लेवास पहलिया, लेवास 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। जी, क्या हुआ आपको? करंट कैसे लगा? करंट लगा जो मैंने डोरी निकाल लिया, मतलब जल रही थी ना इसलिए, अपने घर के कहीं बाप बोर्ड पे और इसमें से करंट लग गया। अच्छा, तो आप अकेले अकेले ही थे गए घर पे? अरे नो, घर के पूरे तेज से थोड़ी पूरे सब मुड़ी सुबह के टाइम से आने के सब। अच्छा, सुबह के टाइम तो करंट आपको ही लगा है बस? आपको अकेले ही लगा? और कोई बात नहीं, घर ही बाहर है, मतलब अपने आंगन में ऐसे बाहर है और क्या, सब पूरे घर है, बच्चा बच्ची भी थी, ऐसे बात थोड़ी। अच्छा, आपको पिताजी का नाम क्या? अज्जू।